ओम शांति अब कहते हैं ना कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है तो अब बाप कहते यह तो सब खत्म हो जाता है विनाश तो होता है ना तुम्हारे पास क्या है ये शरीर भी खत्म हो जाएगा क्या है तुम्हारे पास देखो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो यहाँ की प्रॉपर्टी यहाँ के संबंधी यहाँ का शरीर सब उन्हीं को दे जाती है ले संभालो तुम्हारे यहीं पैदा हुआ था ना ये लो लो वो आत्मा निकल जाती है अपना पार्ट प्ले करके उसके अंदर से अपना रोल जैसा बजाए आप फिर पीछे बैठे लोग उनको याद करते रहेंगे पर वो दे के वहीं चली जाती है सब कुछ कोई ऐसा नहीं कि ऐसे सोना ले जाएगी चलो दो चार मालाएं ले जाओ या कुछ भी कुछ भी ऐसा आत्मा शरीर छोड़कर नहीं ले जाती जो भी स्थूल चीजें हैं कुछ उसके साथ नहीं जाती है। जो भी चीज दिखाई पड़ती है जो विनाश हो जाती है कुछ भी उसके साथ नहीं जाता शरीर जो विनाशी है वो भी यही छूटता है वो भी साथ नहीं जाता पार्ट प्ले आत्मा करती है कितनी वंडरफुल थ्योरी है आत्मा ही छोटे से शरीर में प्रवेश करती है फिर आत्मा ही बड़े शरीर को छोड़ के चली जाती है कई बार कोई छोटा शरीर भी छोड़ जाता है तो छोड़ जाते हैं पर पार्ट प्ले करने आए थे कि अपना किरदार बजाएंगे कैसे कैसे कर्म करेंगे जो भी उनका स्वभाव संस्कार होगा जो उन्होंने अपने लिए वर्षा लिखवाया होगा वो वर्षा उनको प्राप्त होगा कितनी वंडरफुल बात है जैसे जैसे कर्म वैसा वैसा हमारा सारा वर्षा तैयार होता है मान लो आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए तो अच्छे कुल में जन्म होगा तो वहां की जो प्रॉपर्टी होगी आपके नाम पहले से लिखी हुई होगी तो मतलब कितनी वंडरफुल बात है तो ये सारा रिकॉर्ड कहाँ रहता है मना आज परमात्मा हमें स्पष्ट स्पष्ट बता रहे हैं कि मेरा रोल क्या है अब देखो आत्माएं लाख अपने आप को भगवान के बराबर या भगवान समझने लगे लेकिन वो अपना रिकॉर्ड तो साथ ही लेके जा रही हैं किसी और का रिकॉर्ड रख भी नहीं सकती हैं वंडरफुल है कभी विचार करके देखना कैसे आत्मा एक शरीर लेती है और छोड़ती है और पार्ट प्ले करती है और फिर सब वहाँ छोड़ के फिर आगे पार्ट जाने चली जाती है जो भी उसने अपने कर्मों से अपना वो बनाया जैसे रुतबा बनाया या अपने कर्मों से ही उसने अच्छे बनाया बुरा बनाया कैसा उसका स्वभाव संस्कार था तो लोग उसको वैसे याद करते हैं वंडर है सब कुछ ही कुछ भी साथ नहीं जाता तो आगे तुम्हारे पास क्या है क्या है तुम्हारे पास ये शरीर भी खत्म हो जाएगा अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना बाबा ये आपका बाबा ये आपका तो बाबा एक्सचेंज करके आपको नहीं जन्म में आपको दे देते हैं। क्योंकि उनके अर्थ उनके नाम के अर्थ करते हो तो वो आपका रिकॉर्ड होता जाता है आप भले किसी से भी कितना भी झूठ बोल लो लेकिन ये सारी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना सब कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा है ना कि आपने क्या एक्सचेंज किया क्या दिया क्या लगाया कितना लगाया किस भाव से लगाया कई बार दिखावे के लिए भी बहुत लगाते हैं कि चारों तरफ सबको पता पड़े मैंने ये किया ये किया ऐसे भी शो करते हैं नहीं भी पता लगेगा तो भी बताएंगे कि मैंने क्या क्या किया तो भगवान उस कैलकुलेशन को कैसे देखता है और उसका रिकॉर्ड आपके लिए कैसे तैयार किया जाता है ये सारी चीजें बहुत है कोई लाख किसके साथ बुरा कर लेके कहते अरे इसका हिसाब कौन लेगा हो जाएगा ना ड्रामा में सब क्या हिसाब है कहते है इसने तो इतना बुरा किया इसके साथ और इसका क्या हिसाब है क्या मना यह तो बच गया इसको तो कोई सजा नहीं मिली सजा फल पुण्य पाप ये सारा कुछ रिकॉर्ड है आप विचार करके देखना इसलिए ये सवाल करना बिल्कुल गलत है कि इसको मना इसने ऐसे ऐसे कर्म किए कौन देख रहा है सब देख रहा है ना भगवान तभी तो किसी को जन्म ही बहुत कुछ मिल जाता है और किसी को जन्म ही जो होता है वो भी उसके हाथ से चला जाता है सारे ये दो चार महीनों में भी खत्म हो जाता है वो आत्मा गर्भ में आई कई बार एक दो महीने में लोग माला माल हो जाते हैं लॉटरी लग गई उनकी और जैसे ही वो गर्भ से बाहर आई तो मैलों में आ गई पहले कुछ नहीं था क्या है जो उसने कमाया जो उसका वर्षा उसको मिलना है ना अब कोई आत्मा ऐसी आई कि पहले तो सारा माल था फिर एकदम खत्म हो गया अब यह क्या हो गया अब उसने वो नहीं देख रहा था वो सुख तो उस चला गया तो हर आत्मा अपने साथ अपना पुण्य और पाप का खाता तो लेके ही चलती है ना इसलिए ये कहना कि कौन देख रहा है तो अगर कोई नहीं देख रहा होता तो ये सारी चीजें कैलकुलेट कौन कर रहा है कहाँ से ये चल रही है सारी कैलकुलेशन हो रही है ना तो ये मानना तो बिल्कुल गलत है कि अगर किसी ने गलत किया तो उसका हिसाब नहीं है अगर किसी ने अच्छा किया तो उसका हिसाब नहीं है सब चीजों का हिसाब है हमें जो देख रहा है वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है अब हमें उसका कहना मानना है श्रीमत पर चलना है तो श्रेष्ठ बनना है श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाती है यह सबको पता है क्योंकि इस समय चारों तरफ मनमत पर मत रावण मत सब कुछ मिलेगा लेकिन श्रीमत सिर्फ ईश्वरीय बच्चों को मिल रही हम ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है तो करेंगे तो पाएंगे ओम शांति